तो पिछवाड़ा धोने के लिए जो है वो दिया आप लोगों को, 70 साल में तो पिछवाड़ा भी नहीं धो पाए थे आप लोग। मोदी के गुण गाओ, गोबर के रोटी भक्तों खाओ और मोदी के दलाली करो बस। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा, कैसे हैं आप लोग, ठीक होंगे। मैं मनोज तिवारी के लोकसभा सीट पर खड़ा हूं और यहां की जनता मनोज तिवारी को कह रही है हटा देंगे इस बार। कन्हैया कुमार जीते गए, मनोज तिवारी सीधा जनता से बातचीत करते हैं। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी से नाराज नहीं, वो सिर्फ टीवी पर ये बोलेंगे फटाफट खोल के दिखा। क्या फटाफट खोल के दिखा? क्या फटाफट खोल के दिखा? क्या फटाफट खोल के दिखा? फटाफट खोल टीवी पर यही बोलेंगे वो, बस और कुछ नहीं बोलेंगे बस। तो इस बार आप नाराज हो? बिल्कुल पूरे नाराज है सर। और महंगाई की मार बढ़ रही है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है, कमाने को कुछ है नहीं, बाहर निकल जाओ तेल 100 रुपए लीटर, चलाओ कहाँ से चलाओगे गाड़ियाँ, हम तो मजदूर आदमी है, किराया हम पे निकलता नहीं। मोदी जी कहते हैं हम फक्कर फकीर है, झोला उठाएंगे चले जाएंगे। हाँ तो जाएंगे, वो झोला भी तो चेक होगा उनका, झोला भी तो चेक होगा। चेक होगा और चेक कौन करेगा? कौन चेक करेगा भाई? अपने राहुल गांधी करेंगे, राहुल गांधी झोला चेक करेंगे, चेक करेंगे लेके क्या जा रहे हैं मोदी। मोदी मोदी दिल में बसता है, दिल में चमदार चोर है, चमदार चोर है, चमदार चोर है राहुल गांधी जिंदाबाद। जिसने 10 साल अपना 2000 के नोट न चला पाए वो देश क्या चला पाएगा? राहुल गांधी जिंदाबाद। जिसने जो 2000 के 10 साल नोट न चला पाया वो देश क्या चला पाएगा? जिसने घरवाली न समझ, जिसका डिग्री फर्जी है, सारा काम फर्जी है, जो अडानी और अंबानी के दलाली के अलावा कुछ नहीं करता, वो देश के लिए क्या करेगा? ए भाई, ए भाई, ये कह रहे हैं, एक मिनट इधर आइए, ये कह रहे हैं कि जो अपना नोट न चला पाया हो वो देश क्या चलाएगा? कांग्रेस ने क्या चलाया था? मोदी ने। सुनो, देखो इन लोग के झूठ के फैक्ट्री में इन लोग कहता है कि 70 साल में कुछ न हुआ, ये रोड पर से है। हाँ, ये 70 साल में, अरे मेरी बात सुनो, चचा चचा किसने खोला ये सब? सुनो मेरी बात सुनो, मैं गांव से आता हूँ, मैं गांव से आते हैं, कांग्रेस के टाइम पे मैंने कांग्रेस लालटेन लेके वो देखे थे, मिट्टी का लालटेन नहीं, जो तुम्हारे जो फादर दर भी होगा नौकरी उसी के रीजन में लिए हैं। आज राशन वाला, अरे 5 किलो लेकर खुद लेके राशन ले लो भाई, राशन ले लो, हाँ ले लो, पहले लाइन में लगना पड़ता था, लाइन में 5 किलो राशन ले लो। अरे सुन तो, अब क्या चाहेंगे? कन्हैया कुमार है, मनोज तिवारी कन्हैया, कन्हैया स्टूडेंट है यार, वो समझेगा स्टूडेंट, मतलब पढ़ने वाला जितना भी लड़का है वो कन्हैया को। हाँ कन्हैया, बिल्कुल कन्हैया कुमार युवाओं के लिए काम करेंगे। अरे युवा है, युवा के लिए करेगा काम, वो उम्मीद है, और उम्मीद है। मनोज तिवारी ने कुछ किया है आप लोगों के लिए अभी तक? क्या करा है? कुछ भी ना करा जी भाई, कुछ ना करा, अभी कुछ नहीं किया। तो इस बार आप लोग उनको बदल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल जी खत्म करेंगे। क्या लगता है भैया, कन्हैया कुमार है मनोज तिवारी? मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, मनोज तिवारी ने काम किया है? मनोज तिवारी ने काम किया है नहीं किया है ये एक अलग बात है। आप ये देखो, किसी भी पार्टी से जब टिकट मिलता है तो शीर्ष नेतृत्व जो होता है, शीर्ष नेतृत्व को ही देख करके लोग वोट करते हैं। आप अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हो, एक मिनट रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, कुछ ना किया इन लोग के, खाली मनोज तिवारी मोदी का चश्मा कुछ नहीं करता, इन लोग खाली मोदी का चश्मा दिखाता, इन लोग अडानी अंबानी के दलाली के इतना भक्त बन गया कि देश के बारे में कुछ सोचना नहीं, मेल देशद्रोही इन्हीं लोग है। अच्छा, देश देश के बारे में 70 साल से कहाँ थे यार, कहाँ थे 70 साल? 70 साल में पिछवाड़ा तक की ठिकाना नहीं था, बनाया पिछवाड़ा भी नहीं। दो एक मिनट, 70 साल पढ़े लिखे, MBA होल्डर हूँ मैं। अच्छा आप बताइए, जो जिस कॉलेज में पढ़ा था वो मोदी जी ने बनाया था? किस कॉलेज में? जहाँ संसार में जितना कॉलेज बना है सब मोदी जी ही ठिका ले रखे हैं, सब मोदी जी ही ठिका ले रखा है। ये कहेंगे कि 70 साल में कुछ ना, आप एक मिनट आप एक प्लॉट लेते हैं 2 लाख रुपए का, 5 साल में सोचते हैं कि 20 लाख रुपया हो जाए, 5 साल में सोचते हैं कि 20 लाख हो जाए, लेकिन इनको सिलेंडर जो है 300 रुपए में चाहिए। चिल्लाने से सिलेंडर 5000 रुपए हम लोग के 300 में दे दो। देखो देखो भैया, हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की बात रखेंगे। अरे मैं भी स्टूडेंट हूँ यार, बुक लेके घूम रहे हैं हम। अभी ILO की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल श्रम संगठन की,
उसमें युवाओं को 84% बेरोजगारी है भारत में, 83% से ज्यादा। उसका कौन जवाब देगा? पहली बात, 83% से ज्यादा युवा बेरोजगार है, इसका जवाब कौन देगा? आप देखिए ग्लोबल, आप एक मिनट आप ग्लोबल लेवल पे देखो, पहले इंडिया को ना कोई पूछता तक नहीं था, लोग ऐसे ही आते थे बॉर्डर पे, हमारे जवानों को मार करके चले जाते थे। एक मिनट बॉर्डर पे जो है, बॉर्डर पे जवानों को ऐसे ही लोग मार करके चले जाते थे। आज हम घर में घुस करके मारते हैं। अभी आपको पता होगा, एक मिनट अभी हमने दिया, एक मिनट बोलने दीजिए इनको। कौन सा इंटरनेशनल रिलेशन पढ़े हो? मालदीव से हमारे संबंध खराब हो गए, पता है? अरे एक देश का आपने ले लिया, फिर आप बोल रहे हो आगे सुने? अरे किससे नहीं थे अपने अच्छे पहले, किससे नहीं? आप यूक्रेन का देखो, अगर यूक्रेन पे जो है हमला अगर रुक गया तो किसकी वजह से रुका? मोदी की वजह से। पापा युद्ध रुकवा दिया, हो गई अंधभक्ति वाली बात, हो गई अंधभक्ति वाली बात, ये पूरी अंधभक्ति बात हो रही है। साढ़े 300 किलो RDX तो रुका नहीं यूक्रेन के कारण है, ये तो है गोबर के रोटी खाते है, इसलिए दिमाग इतना लाया भैया, गोबर से बना रोटी खाते है लोग, इसीलिए यूक्रेन का युद्ध रुकवा। क्या बोल रहे हैं? गोबर की रोटी खाते है। अरे भैया 70 साल में तो पिछवाड़ा धोने का ठिकाना नहीं था, मोदी जब आया तो पिछवाड़ा धोने के लिए जो है वो दिया आप लोगों को, 70 साल में तो पिछवाड़ा भी नहीं धो पाए थे आप लोग। मोदी के गुण गाओ, गोबर के रोटी अंत भक्तों खाओ और मोदी के दलाली करो बस। आप राहुल की दलाली करो, आप राहुल की दलाली करो, पप्पू जी की दलाली करो आप। देखिए भाई भाई, एक युवा, देखिए मैं एक मिनट, ये युवा है, रोजगार हमको भी चाहिए, भैया को भी चाहिए, आपके बच्चों को चाहिए, आपके भाई को चाहिए, ठीक है सबको? भाई भाई रोजगार की बात कर रहे हैं, इस देश में जीने के लिए जितना जरूरी सांस है उतना ही जरूरी रोजगार है, रोजगार नहीं रहेगा तो सांस भी बंद हो जाएगी, ठीक? रोजगार पे बात पिछवाड़ा नहीं था, ये नहीं था, उधर का ठीक है, उसका तो बात नहीं, आप बताइए रोजगार पे बात करो, शिक्षा पे बात करो। अभी KVS में प्रति स्कूल प्रति क्लास में KVS में 8 सीट कम कर दिया है, इसका जवाब दूसरा, अरे पहले सुन लो दो बात, दूसरी बात वो कम किया, दूसरी चीज भारत में अभी भी हमारे स्वास्थ्य को लेके 22% बच्चे जो हैं छोटे वाले शिशु, 22% बच्चे शून्य भूख से ग्रसित हैं, मतलब वो पेट तो भर जाता है लेकिन उनका जो है पोषण नहीं मिल रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? शिक्षा। मैं उसका जवाब बताता हूँ, आप ये देखिए, 1947 में हम लोग आजाद हुए, 70 साल तक यहाँ पर जो है कांग्रेस की, 70 साल तक जो है कांग्रेस की सरकार रही, ठीक है, 2014 में मोदी आया। आप नौकरी की बात कर, अरे नौकरी आपको कैसे मिलेगी जब आप पहले घर में सुरक्षित बैठोगे, पढ़ाई करोगे? एक मिनट, इन्होंने बोला 1947 में आजादी के बाद, तुम्हें पता है जब आजाद हुआ था हमारी, सब आप ही को पता, हमें कुछ नहीं पता।